अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बनाते हुए सबसे ज़्यादा मज़े का जो सेशन होता है वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का आता है और उसके बाद उसका आंसर करने का। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है रीज़नेबल, वो हम ट्राई करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जो फर्स्ट कमेंट है, द अटैचमेंट न्यूला उस्ता इज़ नॉट वैलिड इन द SUI सिस्टम ऑफ इस्लामाबाद। अब देखें कि डॉक्यूमेंट जो है वो मई में लीगलाइज हो चुके थे। अब इसके अंदर दो तीन सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स 2 ईयर से ज़्यादा हो चुके होंगे, या अगर ये नहीं है तो दूसरी सिस्टम ये है कि आपका जो है वैलिडिटी वहाँ से ख़त्म हो गई होगी। तो ये इटालियन लायर जिसने भी आपके लिए ये करवाए थे, न्यूला उस्ता इशू करवाया था, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें ताकि वो वहाँ की स्पेसिफिक या कंसर्निंग डिपार्टमेंट में जाकर दोबारा से ऑनलाइन करवाएं, ताकि एम्बेसी के अंदर जो है ना इनका रिस्पांस आ सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मेरा न्यूला उस्ता 14 जुलाई को निकला और मुझे लीगलाइजेशन के अपॉइंटमेंट चाहिए, प्लीज़ कोई हेल्प करें, मुझे कहाँ से ईमेल आएगी, दिसंबर में न्यूला उस्ता एक्सपायर हो रहा है। देखिए, जो आपका न्यूला उस्ता इशू हुआ है उसकी वैलिडिटी पहली बात यह है कि ये 2 ईयर तक है, और दूसरी बात ये कि जो अपॉइंटमेंट है वो वाया ईमेल्स आपको मिलेगी, आपको ईमेल से एम्बेसी को करनी पड़ेगी, उसके बाद रिस्पांस आएगा। इसके दो तरीक़ेकार होते हैं, या तो आप ख़ुद एम्बेसी को ईमेल्स करना शुरू कर दें, इट इज़ अप टू एम्बेसी, महीना डेढ़ दो में रिस्पांस, या फिर अगर आपने किसी कंसल्टेंट को हायर किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी लगा दें जो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो ईमेल्स वगैरह करें। तो अगर किसी कंसल्टेंट को आप हायर करते हैं तो वो आपकी बिहा पर अगर ट्राई करता रहे तो फिर जाकर जो है वो अपॉइंटमेंट का आपके लिए कुछ बन सकता है। 22 मार्च किसी को इंक्वायरी की कॉल आई है, अगर किसी को इंक्वायरी की कॉल आई है तो लाजमी बताएं, ताकि इन भाई साहब की थोड़ी सी मुश्किल जो है वो हल हो जाए। लेकिन नीचे इन लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि अभी तक हमें जो है वो कॉल वगैरह नहीं आए। किसी को कॉल आई है पासपोर्ट कलेक्शन की, अगर किसी भाई को कॉल आई है पासपोर्ट कलेक्शन की तो वो भी लाजमी बताएं, क्योंकि आपको इन कमेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर जब आप लोगों का काम हो जाते हैं तो जो यहाँ पर लोग बैठे होते हैं तो उनको भी आपको चाहिए कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब मज़ीद नीचे चलते हैं, यहाँ पर इस्लामिक पीस 00786 ने अपना एक इजहार किया है कि सबसे घटिया एम्बेसी इटली डैश एम्बेसी है, काम से कम 1000 ईमेल्स कर चुका हूँ लेकिन अभी तक फैमिली रीयूनियन की ईमेल नहीं आई, 8 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, लीगलाइजेशन हो चुकी है। यार ये बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी है, मैं ख़ुद काफ़ी लोगों के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ईमेल्स कर रहा हूँ एम्बेसी को, कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक हमें नहीं मौसूल हुआ, काफ़ी अरसे से मौसूल नहीं हुआ। होपफुली अल्लाह करे कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए तो आप लोगों को हम बताएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये वैसे ठीक है जब तक कॉल नहीं आती तो सब मैसेज करते रहे इधर के कॉल किसी को, लेकिन जब खुद पर आ जाते तो बताते नहीं। वही बात कि जब आप लोगों को ख़ुद की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद आप जो है ना लोगों के साथ शेयर नहीं करते, तो ये चीज़ें जो चलती रहती हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, क्या सर इटली एम्बेसी का स्टाफ तब्दील हो रहा है? स्टाफ, यार ये तब्दील हमें कौन सा पता होता है, ये चेंज होता है या नहीं होता, जब भी अंदर से चेंज होना होता तो बाहर के लोगों को नहीं पता होता कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोगों का सिर्फ काम से गर्ज है। मेन वाइल इनसे कॉन्टेक्ट करें तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद ही इन्हीं यहाँ पर इटली में जाने वाले लोगों की है तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, बेशुमार लोगों ने एहतजाज वगैरह भी किए हैं लेकिन बस लोग वेट ही कर रहे हैं कि कब ठीक, कब ठीक और कब ठीक हो। तकरीबन 4 महीने तो इसी तरह ही गुजर चुके हैं, तो ये मामला अभी तक जो है वो ठीक नहीं होने वाली तरफ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली गाइड करें कि इंक्वायरी सबकी हो रही है फैमिली वीज़ा में, क्योंकि जेरी लाहौर ने कहा है कि सबकी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसी बात है, इट इज़ अप टू एम्बेसी, इट इज़ अप टू कौंसलार, जिसकी दिल चाहे ये जो है इंक्वायरीज करें, जिसकी दिल चाहे इंक्वायरी नहीं करते। अगर आपको कॉल आ गई है तो आप इंक्वायरी की तैयारी करें, अगर नहीं आई तो खुश रहें कि आपको बगैर 40,000 रुपये जो है वो पे नहीं करने पड़े। तो इसी तरह मेरा 14 अप्रैल को हुआ है पासपोर्ट सबमिट, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अल्लाह करे आज रिस्पॉन्स। करंटली फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट
पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और उसके साथ साथ जो फैमिली रीयूनियन की सबमिशन पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो आ जाए। अच्छा जी, अब मज़ीद नीचे चलते हैं कि कोई अगर आता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बलावला इज़ अंडर प्रोसेस एड, ये यार ये चीज़ें जो प्रोसेसिंग आप चेक करते हो इटली मैसी के फाइल की, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कॉल या फिर आपको मैसेज का वेट करना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग टाइम आप जो जेरी की साइड पे जाकर चेक करते हैं, उसका कोई फ़ायदा वगैरह नहीं होता। डीक्यू सर, मेरे लीगलाइजेशन के पेपर सबमिटेड हैं जेरी में सिंस 17 डेज, तो इस दौरान इफ़ आई अप्लाई मेल फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट टू PDF। देखें, अगर आपके सबमिटेड हैं, लीगलाइजेशन अभी होकर नहीं आई, तो आपको ईमेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि पहले आपको ईमेल, जब आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड हो जाएंगे तो वो अटैच करके आपको भेजने पड़ते हैं, तो इस तरह आपको सेकंड जो है वो अपॉइंटमेंट इस तरह नहीं मिलती। ठीक हो गया ना? और मज़ीद अगर हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन आता है तो आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या 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 क्या। अच्छा, इन दिनों में किस किस को फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट मिली है? आपने लेनी है वीज़ा अपॉइंटमेंट? अच्छा, बीच में ही साथ में ही अजेंडा हज़रात भी स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेन वर्क वीज़ा की कॉल किसी को अगर आई है तो यार लाजमी बताएं, ताकि कुछ लोगों को आसानी हो जाए। मज़ीद क्वेश्चन अगर हम करते हैं, सर मैंने इस्लामाबाद में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन दी थी, 2 मंथ हो गए हैं, अब VFS ग्लोबल में शो हो रहा है कि आपका अंडर प्रोसेस है कराची कौंसुलेट में। ये सभी को इसी तरह की मैसेज आ रहे हैं, तो जो अगर आपको कौंसुलेट कराची वाला अगर आता है आपकी उसमें, तो आप टेंशन ना लें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया ना? मेरे दोस्त को कॉल आई है 27 डेट्स को, उसको 18 मार्च का पासपोर्ट सबमिट हुआ था, वो मंडे को जाएगा फीस जमा करवाएगा। इंक्वायरी कॉल इंक्वायरी है 27 जुलाई को। ठीक हो गया? तो अब ये जाकर इंक्वायरी फ़ीस 40,000 रुपये जमा करवाएंगे, तो फिर जाकर इनका जो है वो काम होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।